जहांगीर तरीन पर केसेस का मामला एमपीए लाला ताहिर रंधावा की रोही से गुफ्तगू। उनका कहना है कि जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलने तक उनके साथ खड़े हैं। जहांगीर तरीन पीटीआई का असासा है, जल्द वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से मजीद बताएंगे जाहिद सरफराज। जी जाहिद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन के खिलाफ नैब और दीगर जो पेशियां चल रही हैं, उस वाले से मुल्क के अंदर सियासी जो माहौल है वो गर्म दिखाई देते हैं। सर, अगर बात की तो लैया के दो मेंबरान असम्बली, सूबाई मेंबरान असम्बली रफाकत अली गिलानी और एमपी लाला ताहिर रंधावा जो है जहांगीर तरीन के साथ हमें खड़े नजर आते हैं। लाला ताहिर रंधावा मौजूद, उनसे बात करते हैं। लाला जी, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जहांगीर तरीन को इंसाफ मिल पाएगा, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इंशाल्लाह इंसाफ जहांगीर तरीन को मिलेगा। हम खान साहब, आपने वजीर आजम इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हमारी बात सुने और जहांगीर तरीन को इंसाफ दिया जाए। अच्छा, क्या समझते हैं अगर मजीद जो कार्रवाइयां हैं जो उनके साथ नैब के खिलाफ पेशियां लग रही हैं, अगर मजीद कार्रवाइयां होती तो फिर आपका क्या रद्दमल होगा? नैब का कोई केस है तो वो जहांगीर तरीन साहब भुगते, जो उसका बनता केस वो करें, वो जाएंगे अदालत में, जाएंगे कोर्ट में, उसके साथ ज्यादती ना की जाए। जो अभी जो दो FIRें हुई हैं वो ज्यादती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब से ऐसा ना किया जाए, क्योंकि वो हमारी पीटीआई के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कार्रवाई की जो बोगस हो। अगर आने वाले दिनों के अंदर जहांगीर तरीन को मजीद बड़ा फैसला करते हैं कोई पार्टी के हवाले से, तो उस वाले से फिर आपको क्या रद्दमल होगा? ये तो आप मीडिया वाले कह रहे हैं, तो हम अपने इमरान कैसे कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम बैठ के ये मामला हल हो जाएगा जहांगीर तरीन का। और उसकी मुलाकात भी करनी थी इमरान खान से आपने, वो मुलाकात कहाँ तक पहुँची और क्या रिजल्ट निकल रहा? इंशाल्लाह चंद दिनों में मुलाकात हो जाएगी, इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें। जी बिल्कुल, एमपी लाला ताहिर रंधावा सबका यही बताना है कि वो जल्द वजीर आजम से मुलाकात करके जो जहांगीर तरीन का मसला पे आ रहा था उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।